गाइस वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग एंड टाइम इज 3:26। दोपहर हो चुकी है, बारिश अब रुक गई है। सुबह बारिश हो रही थी, हल्की हल्की हो रही थी, मगर मैं बारिश रुकने का ही वेट कर रहा था क्योंकि मेरे को आज एक फोटो शूट कराना है। क्योंकि यार बारिश के सीजन में एक ले लेना चाहिए, क्योंकि क्या अब ये सीजन थोड़ी लौट के आने वाला है। मैंने सोचा आज एक फोटो शूट करने चलते हैं, अपने घर के पास ही है सिटी फॉरेस्ट, वहां चलते हैं। पहले अनिमेश भाई को उठाएंगे, उसके बाद हम फोटो शूट पर जाएंगे जिम शाम को। 14 टी शर्ट्स रख के फायदा ये हो जाएगा ना कि बदल बदल के डालेंगे कॉन्टेंट, ऐसे थोड़ी की एक ही में चमका देंगे। इसीलिए हम जाएंगे तो फिर ढंग से शूट करके आएंगे। एक बैग भी बोला था, बैग हाँ, कपड़े भी है ना, ले आओ। या फिर दो ही हैं, टी शर्ट और वो है गोरिल्ला। ले आता हूँ ना, तो पार्किंग में लगाया ना गाड़ी तो। हाँ ले ले ले, तराओ सारे लोग बेटा। ओह दिस इज, बताओ अपने बारे में। दिस इज मी कॉन्टीग्राफर एके अनिमेश। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। आज हम जा रहे हैं भाई गौरव यादव का शूट कर, है ना, यादव जी का। यादव का शूट करने पागल है, हम आज यादव जी का शूट करेंगे, फोटो शूट करने भाई, हम फोटो शूट यादव जी को आज एक्सपोज करेंगे कि भाई वो शूट में क्या क्या करते हैं। वो रील देखिए ना, वाली फोटो शूट वाली एक रील थी, वो कहता है कि सर हम अंदर जा सकते हैं, हमें शूट करना है। दो इन्फ्लुएंसर होते हैं, ठीक है, वो कहता है कि हाँ हाँ बिल्कुल जा सकते हो, कोई नहीं आप शूट करके आ जाओ, ठीक है। अंदर जाते गोली चलने की आवाज आती है, वापस आ जाता है, वो बोलता है धन्यवाद भैया। वो कहता है आपको क्या शूट करते, कहते कह रहा अरे बहुत साला फालतू बोल रहा था, उसी को शूट करने गए थे। तो आज हम वैसे ही कुछ यादव जी का भी शूट करेंगे, ठीक है, फोटो शूट। हाँ फोटो शूट चले, फोटो शूट होगा, गौरव यादव का शूट करेंगे। हाँ आज पूरी तैयारी हो रखी है, यहाँ पे देखो यादव जी पूरा तैयारी करके आए हुए। मेरा तो फोटो शूट होता है काफी बेसिक होता है भाई, मैं घर के कपड़ों में ही, ये देखना लोअर ब्लैक स्टैंडर्ड। अच्छा ब्लैक लोअर की एक खास बात है, ब्लैक लोअर आप ऊपर कुछ भी चेंज करो सबके साथ जाएगा, तो इसीलिए दिस इज माय की मंत्र, अगर कोई भी फोटो शूट करा रहा है ना ब्लैक लोअर पहन के जाओ। मतलब लोअर या जींस कुछ भी, मेरे पास लोअर था मैंने लोअर पहन लिया। बाकी तो अनिमेश के शॉर्ट्स आपको दिखी जाएंगे इंस्टाग्राम पे। बाकी तो हमारे यादव जी है ही मॉडल से है, चला रहे हैं मसल इन लाइफ का पेज, चला रहे हैं भाई, एंटरप्रेन्योर हो रहे हैं, तो करना पड़ता है, क्या करे, करना पड़ता है। कर्म योगी का नाम रोशन करना है, बुलाया भी तो इसीलिए, थोड़ा कंटेंट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ना, 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 कर्म योगी का नाम रोशन करना है, कर्म योगी नाम पे खरा उतरना है। ओवर एक्टिंग हो रही है अनिमेश, ओवर एक्टिंग। चलो अब हम यहाँ से जा रहे हैं सीधा सिटी फॉरेस्ट जाके, सस्ता जंगल हमारा। हाँ जंगल शूट करेंगे। क्या रिजेंबल करता है वो, रिजेंबल करता है हमारा लवर्स पॉइंट। अंदर तो लवर्स पॉइंट चीज से वो बदनाम है, बट देखो एरिया अच्छा है, तो बाकी बस अंदर लोकेशन अच्छे अच्छे हैं थोड़ी। हाँ मैं बहुत पहले गया था, बहुत टाइम बाद जा रहा हूँ। मैं भी आई थिंक मैम एक्चुअली गया नहीं हूँ, मैं गया नहीं हूँ। हाँ मैं शूट करने सोच रहा था वहाँ पे, पर मैं गया नहीं। बताओ देखो, तो चलो हर ये गया हूँ गया नहीं, देन एंड देयर, देन एंड देयर, ताबड़ तोड़ पैसा छापना है अब। तो पैसा नहीं, ताबड़ तोड़ काम करो, ये ताबड़ तोड़ काम होगा तभी तो पैसा छपेगा भाई। सीरियसली बोल रहा हूँ, पहले क्या होता था कि यार चल लेंगे नहीं है टाइम, चलो नहीं है टाइम मत जाओ, कोई बात नहीं, मगर करते रहो तब जाके तो कुछ काम बनेगा। अभी एक बात बता, अगर मैंने इसको शेड्यूल कर दिया होता नहीं जा पाते, मगर अब बनाया है ना प्रोग्राम, चलो अभी 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 द मेंटालिटी। आज व्लॉग बनेगा, व्लॉग तो बन ही रहा है ना आज व्लॉग बनेगा। आज से पहले मैं उससे व्लॉग के बारे में बोलता था कि यार डेली डालना चालू करना है, लेकिन एक दिन फिर कॉल आ गया कि भाई अब उठाते हैं कैमरा, शुरू करो, कोई बात नहीं, छोटा वीडियो बनाओ बड़ा वीडियो बनाओ, मगर वही बात है, चीजें करते जाओ अपने आप बढ़ते जाओगे। अब टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं सिटी फॉरेस्ट। व्लॉगिंग में डेली लाइफ ही तो दिखती है, और क्या होता है। अब अगर मैं और तू अकेले भी जा रहे होते तो भी हम ऐसी वार्तालाप करते, ये हमारा नेचर है, ह्यूमन नेचर है कि हम ऐसे रिएक्ट करते हैं, क्योंकि दोस्त है भाई, दोस्त के साथ कैसा रिएक्शन होता है कि हाय माय नेम इज गौरव यादव। बट व्लॉगिंग के टाइम में एक चीज अलग निकल के आती है, हम लोग ना थोड़े से ना लाइक कॉन्शियस हो जाते हैं और ना थोड़े अपने वर्ड्स को कंट्रोल करते हैं, मगर इस चीज को हटाना है भाई। मैं जैसा हूं मैं वैसे ही दिखाना चाहता हूं, समझ रहा है,
कि भाई कुछ चीजें नहीं बदलती, मैं ऐसी ऐसी गाड़ी चलाता हूँ, मैं चलाऊंगा, मैं ऐसी एनिमेश से बात करता हूँ, ऐसी एनिमेश से बात करूंगा। व्लॉगिंग के टाइम पे जो बंदा चेंज हो जाता है, ही इज नॉट अ ट्रू व्लॉगर। सही बात है कि नहीं, ही इज नॉट अ ट्रू व्लॉगर। फिर वो भाई एक्टर है, वो एक्टर है, वो व्लॉगर नहीं है, बहुत सोच समझ के बोल रहा है। व्लॉग नेचुरल चीज होती है काफी। और आज की डेट में ऐसा भी हो गया कि हम लोगों को ये ना करना पड़ता है, मतलब व्लॉगर्स को भी कभी कभी करना पड़ता है कि लाइक थोड़ा आप उल्टे दिख रहे हो, थोड़ा अपने आप को यू नो सेंसर्ड करके बोलना पड़ता है, चीजें हमें सेंसर्ड वे में बोलनी पड़ती है। मेरे केस में ये होगा कि आपने कभी मेरे व्लॉग्स में गालियां नहीं सुनी होंगी। क्यों? क्योंकि मेरे पास गांव के बहुत सारे बच्चे हैं, पता है, मतलब जो गांव में बच्चों ने सब्सक्राइब करा हुआ है ना, छोटे छोटे से, वो भी देखते हैं, तो इस वजह से मैं बहुत फिल्टर रखता हूँ। और ना अगर कोई गाली दे भी रहा तो उसे म्यूट कर देता हूँ। गाली तो चलो खैर ये तो लिटरल है, तो बच्चे बड़े होंगे वो भी सीखेंगे, वो भी देखेंगे अपने मुंह से। हम गाली से किसी को बचा नहीं सकते, क्योंकि ये दुनिया में हम ही अकेले नहीं है जो बहुत ही बिगड़े हुए हो, बहुत सारे लोग होते हैं। तो सीधे तो आज भी, हाँ सीधे तो आज भी नहीं है, बट ये होता है ना कुछ लोग ऑफेंड हो जाते हैं, इसलिए हम लोगों को कोई चीजें ना कई चीजें काटनी पड़ती है। ऑफेंड की बात नहीं, बच्चे देख रहे हैं मेन, मेरे को ऑफेंड ऑफेंड का तो लेना ही नहीं, मेरे को बच्चे देख रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है, वो कुछ गलत ना सीखे, समझ रहे हैं। तो इस वजह से मैं लिटरली बता रहा हूँ, एक वो है हमारे गाँव में है बच्चा है, वो डेली पूछता है व्लॉग नहीं आया, व्लॉग नहीं आया, तो फिर इस वजह से मैं काफी लिमिट रखता हूँ इन सब चीजों। कुछ अच्छा ही सीखे तो बढ़िया है, क्यों अच्छा सीखना चाहिए, बस कम से कम कोई एक आदमी भी अच्छा सीख ले, वो भी पुण्य का भागीदारी बनेंगे, और क्यों। सो बिना बकचोदी किए मैं साले दे दी ना गाली, दे दी ना गाली, मैं अभी बोल रहा हूँ, मैं अभी बोला मैंने कि गाली नहीं देनी, ये नेचुरल ब्लॉगर निकलता है ऐसे, क्या नेचुरल ब्लॉगर, ये ऐसा नेचुरल है। दे दी साले तूने गाली, बिना टाइम वेस्ट करे हम सीधा अब जाते हैं सिटी फॉरेस्ट, शूट करते हैं, और उसके बाद देखते हैं जो होगा। मैं जिम जाऊंगा ना, मैं जिम जाऊंगा, आप कहाँ जाओगे? मैं भी जिम जाऊंगा, बट अलग अलग जिम जाएंगे हम। अभी हमने नया नया शुरू किया है, यादव जी हमारे सीनियर है, आ जा उस वाले में, आ जा साथ में कर वर्कआउट। अरे मेरे साथ एक और बंदा जा रहा है ना। कौन? सुनू मैं तो घर बाकी तो इसमें शायद पहली बार बैठ रहा है ना, क्या एक्सपीरियंस बता। अरे भाई मतलब इसमें ना अलग से रॉब दिख रहा है कि भाई मतलब चौड़ी चौड़ी सर, चौड़ी चौड़े फील हो रहा है ऐसे कि मतलब हम चौड़ा बैठे हुए। ये तो दिल्ली के फीचर्स होगा ना, जो दिल्ली वाले लड़कों को होता है। तू मोटो ब्लॉगर, एज अ मोटो ब्लॉगर बताओ कि आपको क्या पसंद आया गाड़ी के बारे में, क्या पसंद नहीं आया वो बताओ। पसंद की बात नहीं है, बात ये है कि ना इट्स ऑल अबाउट फीलिंग कि भाई आप कैसा फील करते हो। हर गाड़ी की अलग फीलिंग होती है। लोग जैसे बोलते हैं कि फॉर्च्यूनर ओवर प्राइस है वगैरह, नो डाउट है, बट लेकिन नई वाली बहुत ज्यादा करती है, 55 लाख। इट्स लाइक कि ये आपका क्या, आपको ये वो वैल्यू दे रही है यार। वैल्यू क्या, फॉर्च्यूनर से कम, सबसे ज्यादा फीचर एक्सयूवी 700 में आ रहा है 30 लाख रुपए में, तो फिर कोई बंदा पागल ही होगा जो फॉर्च्यूनर लेगा, पर ले रहे हैं लोग। रिलायबिलिटी है उसमें, रिलायबिलिटी, ये तो मैं मानता हूँ कि भाई अभी तक कोई काम नहीं आया गाड़ी। दो ढाई ढाई साल चलाओ, दो ढाई लाख चलाओ, ये देख लो मेरी 1,24,000 चल गई देखो, तो रिलायबिलिटी है ऐसी बात नहीं। ये आई थिंक 15 या 16 का मॉडल, 15 का मॉडल है, अभी भी बढ़िया चल रही है भाई। अभी बस एक क्लच प्लेट का काम है और कोई मैकेनिकल काम तो रहा है नहीं, वो हर में उसमें हर गाड़ी में होता है, एक टाइम के बाद थोड़ा बहुत तो रिपेयर वो मांगती है। अरे मेरी बाइक मांग रही है, अगर तुम्हारी बाइक की तो तुमने वाट भी तो लगाई है, तुम साले वर्न आउट मारते हो अरावली पे, तो फिर मेरी बाइक तो ऐसी मांगती है यार, मतलब मैं क्या बोलूं। तो अभी ये क्या बोलते हैं, ये मैं क्या बोल रहा था कि क्लच प्लेट चेंज करा दूंगा तो फिर ये 1,00,000 किलोमीटर के लिए और फ्री हो जाएगी। और फिर एक चीज और सोची हुई है मैंने, एक आता है HKS का एग्जॉस्ट, समझ गया? हाँ समझ गया, समझ गया। उससे भाई जो रो रहा है, थाईलैंड से इंपोर्टेड, हाँ समझ गया। ऑटोमार्क में मिलता है वो? अरे सब पता है कहाँ मिलता है, इम्पोर्ट तो थाईलैंड से होता है, मगर भाई वो चीज ऐसी रो रहा है उसमें, पूरा मतलब वो वुम वुम नहीं है। डीजल इंजन में वैसे भी डीजल इंजन में एग्जॉस्ट साउंड नहीं आएगा, बट वो जो अलग से ग्रम्बल मिलता है वो टर्बो वाला आवाज, टर्बो वाला, हाँ रोर करेगी गाड़ी उसके बाद। और एक चीज और है, K&N का फिल्टर, एयर फिल्टर, तो उससे क्या है 8% गाड़ी की परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी और गाड़ी फिर कूद के निकलेगी। मतलब अब यादव जी तो भाई मतलब अब ये फॉर्च्यूनर को बनाएंगे फरारी, नहीं फरारी नहीं, परफॉर्मेंस अपग्रेड है ना ये तो। ये परफॉर्मेंस अपग्रेड है, मैं भी वही बोल रहा हूँ, एक्सटीरियर में कुछ नहीं करने वाला, इट्स अ स्लैंग, फरारी फरारी नहीं, अब ये भागेगी। अगर बाय चांस कोई दूसरी बड़ी गाड़ी आ गई ना मेरे पास, मतलब खुदा का खास्ता काम अच्छा चले, पैसे अच्छा है, अरे दूसरी गाड़ी आ गई ना अगर, भाई इसको तो मैं ऐसा बना दूंगा ना, मतलब खतरनाक होलिया चेंज, जैसा जैसा तुम केरला में देखते हो ना वो फॉर्च्यूनर बना के रखे, ऐसी नहीं, मैं अपना टेस्ट दूंगा इसको, अपना टेस्ट, मतलब वो होता है ना कुछ यूनिक करो। हमारे ग्रुप में भी अभी तो ये बहुत शरीफ वाली है, बहुत शरीफ वाली, इनोवा और फॉर्च्यूनर
ये दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पे बनी है, बस फॉर्च्यूनर में इतना फर्क है 4x4 और इंजन स्पेक्स थोड़े से बढ़ा दिए। बाकी इनोवा चला के देखिए, पर्सनली मेरे को लगता है कि इनोवा वो साइज में थोड़ी कम है। अब साइज डायमेंशन में एग्जैक्ट नहीं बता सकता, तू बैठा तो था उस दिन। हाँ नहीं बैठा तो था, वो तो साइज में इससे बड़ी है इनोवा, मेरे को ये बड़ी लग रही है। ये बड़ी लग रही है, ये चौड़ी है, चौड़ी है तो इसीलिए ना, लेकिन वो अंदर से बहुत बड़ी है, अंदर से वो बहुत बड़ी है। मुझे नहीं फील हुआ, मुझे नहीं फील हुआ, तो मेरा टेस्ट ही खराब है सीरियसली। हाँ ये हो सकता है मेरा टेस्ट ही खराब है, क्योंकि स्टार्टिंग से मेरे को इनोवा नहीं पसंद है। बड़ी है भाई, अंदर से चौड़ी गाड़ी है, उसमें कंफर्टेबली बैठ सकता है इंसान। खराब ठीक है, तेरी बाइक हुई है खराब, उसमें मेरी क्या गलती है, मैं तो खुद गन मेटल पे चल रहा हूँ। यहाँ पे तू बदनाम कर रहा है, वहां पे मेरे को उस सबने बदनाम करा हुआ है कि मैंने कॉन्टिनेंटल का भूत चढ़ा दिया, ये कर दिया वो कर दिया है, और आज तक मैं खुद अपनी गन मेटल पे ही चल रहा हूँ। राइडिंग मैंने शुरू करवाई थी, राइडिंग यहाँ पे मैं ब्लेम इसीलिए मैं बोल रहा हूँ थैंक्स टू हिम कि भाई राइडिंग शुरू हुई, हम लोगों का सबका व्लॉगिंग सब शुरू कर रहे हैं भाई। एक एक बंदा बंदे भाई बाइके लेके आ रहे हैं, हमारे ग्रुप में कितने बंदे जुड़े हैं, हम लोगों ने लास्ट ईयर ये ग्रुप शुरू किया, लास्ट ईयर ग्रुप भी नहीं शुरू किया, लास्ट ईयर मैंने और तूने राइडिंग शुरू करी, राइडिंग शुरू, उसके बाद फिर हम लोग सबसे पहली राइड पे गए थे हरिद्वार, जोशी अभियान मैं और कशिश, उसके बाद हमारे आई थिंक ग्रुप में 16-17 बंदे हुए, 16-17 बंदे हो गए। और ये कोई मार्केटेड ग्रुप नहीं है, ये हमारा ऐसी पर्सनल है, मतलब ये बकचोदी काटने वाला, मतलब मजे लेने वाला ग्रुप है। मेरे को फील आती है ना फिर केजीएफ वाली, आप एक कदम रखो दुनिया आपके साथ, दुनिया आपके साथ भाई, फुल फील ले रहे हैं। तो हम लोगों ने ऐसा कोई अच्छा पूरे ग्रुप में फिर बदनामी मेरी होती है, इसकी कॉन्टिनेंटल खराब हुई भाई तेरी वजह से हुई, तूने दिखवा दी लोगों को। मैंने कहा भाई मैं खुद गन मेटल ग्रे पे चल रहा हूँ यार, ये सिर्फ बोलने की बात है, ये ऐसे बोलने की बात है, ये ब्लॉग में डलेगा, कटना नहीं चाहिए ये, जैसे बोलने की बात है, बोलने की क्या बात है, कर ले डाल ले ब्लॉग में, मुझे क्या करना है डेंटल का इसने। मैंने कहा सर मैं तो खुद गन मेटल ग्रे पे चल रहा हूँ। मैं कहा कोई नहीं, अरे गन मेटल तो भाई अभी शुरुआत है, एक बार मतलब अभी देखो, अभी HKS की बातें हो रही थी, अभी एग्जॉस्ट लगने की बातें हो रही थी, फॉर्च्यूनर में और करने में ना भाई, हमें ये कर्म योगी पे बहुत भरोसा है, बहुत अच्छा भरोसा, अपनी जगह है, जेब अपनी जगह है, बैंक बैलेंस अपनी जगह है, बस इसी चीज का मैं भरोसा है। YouTube मोनेटाइज भी नहीं हुआ, कोई नहीं हो जाएगा जल्दी हो जाएगा, कमाल कर रहा है अभी, काम करना मतलब करेगा, थोड़ा बहुत काम करना है, बाकी तो टाइम के साथ सब कुछ हो ही जाता है। बाकी हम पहुंच गए सिटी फॉरेस्ट, आगे से आई थिंक आई ये वाला कटने का वाला अंदर ही लेके जाऊंगा सीधा गाड़ी का, एंट्री कहां करो, यही है एंट्री। अबे ये कैसी एंट्री है, अबे गाजियाबाद का सिटी फॉरेस्ट, अंदर जाएंगे ब्रिज पे, हां अंदर ही तो है, नॉर्मल वीडियो बन रही है ना, हां बस ठीक है, ये लोग का ब्रिज गाजिया तो वही नीचे नदी है, ये नहर आई थिंक नहीं, हिंडन है ना, हिंडन तो है ये सारी, हां ट्रांसजेंडर भाई, लोहे का ब्रिज चलो है तो सही, मुझे तो गाड़ियां आती होंगी, और क्या लगे ना भाई, मेरे को यहां पे सारे इन्फ्लुएंसर्स दिख रहे हैं, इन्फ्लुएंसर्स दिख रहे हैं मुझे यहां पे, गाड़ी लगेगी पार्किंग में, चलो पुलिस चौकी भी है यहाँ पे, चलो ये तो अच्छी बात है, मैंने गाड़ी धुलवाई थी ठीक है, मेरे को बाहर से गंदी हो जाए चलेगा, अंदर से ना हो बस। यहाँ बंद नहीं है। हाँ मैं तो अपने काम से आया हूँ सर, मैं तो शूट करता हूँ प्रोफेशनल। मैं कौन सा उनका न्यूज में दिखा रहा हूँ, चलो फिर यहाँ से और बात ही करते हैं। ओके तो हमारा कट चुका है। यहाँ पे ही लोग कह रहे हैं, मैं आपको केस बताता हूँ एक सेकंड, पहले गाड़ी को न्यूट्रल पर डालने दो और ये एसी चलाने दो। हाँ यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि अंदर कपल्स वगैरह आते हैं और हमें नहीं चाहिए कि कोई कैमरा वाला आए, मतलब अपनी फोटो खींचने में भी नहीं आ पा रहे क्या,
और यहाँ पे लोग का कहना है कि यहाँ पे कोई वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है और ये सब अलाउड नहीं है, और अंदर कपल्स होते हैं उनके लिए सब कुछ है, उनके लिए सब कुछ है। और मैं तो यहाँ पे काम से आया था भाई, मैं तो मैंने उनको बताया मैं न्यूज से हूँ भी नहीं। हमें हमने उन्हें बोला कि हमें अपना फोटो शूट करवाना है तो उसके लिए हम आए हुए हैं। मतलब तू खुद बताइए कोई बात लॉजिकल थी? मतलब तो आपने फिर सिटी फॉरेस्ट बनाया क्यों है? अगर कपल्स के लिए ही बना रखा है तो फिर मैंने सोचा था कि कुछ अच्छी वीडियो शूट करेंगे हम, कुछ अंदर अच्छा नेचर दिखाएंगे, गाजियाबाद थोड़ा सा प्रमोट होगा, प्लस ये जगह गाजियाबाद में ठीक है, और प्लस यहाँ पे आने के बाद ये पता चल रहा है कि और गाजियाबाद गवर्नमेंट भी इसे एज अ मतलब घूमने की जगह, एज अ ग्रीनरी प्लेस, फॉरेस्ट बोलते हैं, सिटी फॉरेस्ट बोलते हैं। पहली बार सुन रहा हूँ ऐसा कहीं ऐसी जगह पे कि कैमरा अलाउड नहीं है तो लोग फोन से नहीं शूट करते? फोन से क्या, यहाँ पे बहुत कुछ इंसान फोन से भी कर लेगा, गजब आदमी है, मेरे को आना ही नहीं इस जगह पे, बेकार जगह। चलो देयर लॉस, आज हमारा कटा बहुत अच्छा वाला, कह रहा हूँ देयर लॉस, इन्होंने एक अच्छे इन्फ्लुएंसर को छोड़ दिया। मैं अच्छी खासी इनकी वीडियोस अच्छी बना सकता था, मैं अच्छी खासी मैंने सोचा था कि अच्छा हम शूट करेंगे अंदर काफी अच्छी अच्छी लोकेशन है, बट इन लोग को रास नहीं आ रहा तो हम भी क्या कर सकते हैं, क्यों बाढ़ रहे, बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था ये वाला। मतलब ये तो बहुत ही, मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि यार आप कैमरा नहीं लेके जा सकते, चलो कैमरा नहीं लेके जा सकते ठीक है, तो बंदे फोन से शूट नहीं कर लेंगे? बंदे फोन से क्या, बंदे कुछ भी शूट कर सकते, कहीं से भी शूट कर सकते। और यहाँ पे मैं क्राउड देख रहा हूँ भाई, यार क्राउड अब ऐसे बोलना नहीं चाहिए किसी के बारे में, मगर आप समझ सकते हो मैं कैसे क्राउड की बात कर रहा हूँ। मेनली यहाँ पे ये है कि ये लोगों का ऐसा बिहेवियर है कि ये लोग कपल्स को ज्यादा मतलब प्रायोरिटाइज कर रहे हैं कि फैमिली भी है, ऐसी बात नहीं फैमिली भी आई, मगर ये तो मैं पहले ये लोग ये ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं कि हम यहाँ पे कुछ इलीगल स्टफ न्यूज करना है, हाँ इलीगल स्टफ शूट करना है, सिंपल सी बात है, मेरी मजबूरी है जो मैं इन सब चीजों को प्रमोट करूंगा, मैं तो अपना काम करना है यार, कोई बात नहीं, एक नहीं दस जगह है फोटो शूट करने की। भाई भाई कोई भी सिटी फॉरेस्ट आने वाला ना मत आओ, बताओ अगर अगर तुम फोटो शूट या किसी अपने काम के लिए आ रहे हो या फैमिली के साथ भी आ रहे हो, इफ यू आर अ कपल देन यू कैन कम, यू कैन कम, आपकी एंट्री तो एकदम सर आंखों पे है, मे बी शायद कुछ डिस्काउंट्स भी मिल जाए, कुछ डिस्काउंट भी मिल जाए विद कॉम्प्लीमेंट्री स्टफ, ये तो मतलब विद कॉम्प्लीमेंट्री स्टफ, मतलब कहां जा रहा है हमारा देश, जो बंदा मैं उसको दिखा भी रहा था, मैंने उसको बोला भी कि आप मेरा चैनल देख लो कोई दिक्कत नहीं है, मैं कोई वो न्यूज रिपोर्टर नहीं हूँ कि मैं कुछ दिखाऊंगा आपका कुछ बदनामी करूंगा, मेरे को तो अपनी फोटो खिंचवानी है भाई नेचर में, क्योंकि आपने इतनी अच्छी जगह बना रखी है, the last good influencer, what we can do? ये सिटी फॉरेस्ट के ऑफिशियल्स या फिर केयरटेकर्स बोल देते हैं, सिटी फॉरेस्ट जैसे गवर्नमेंट का हुआ ना ये, हाँ। तो जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे बंदे होते हैं वहां पे संभालने के लिए वो है, तो बस हमारा यही दिन खराब हुआ, दिन खराब क्या हुआ, शाम खराब हुई, शाम ऐसे लोगों की वजह से मैं अपना दिन खराब कर लूंगा, पागल है क्या, शाम खराब हुई, शूट तो हम करेंगे मगर कहाँ करेंगे ये तय नहीं है, पहले कहीं चलते हैं आगे से यू टर्न मारते हैं फिर देखते हैं कहाँ करेंगे। चलो मतलब सीरियसली एक बार ना आप लोग भी अपना ओपिनियन मेरे को बताना कमेंट में कि ये सही था या गलत, मेरे हिसाब से बहुत गलत था और तेरे हिसाब से, मेरे हिसाब से ये जस्टिफाइड नहीं है कि आप किसी को भी मतलब कोई भी रीजन हो सकता है बना पब्लिक के लिए, मैं ना सिक्योरिटी का रीजन मानता हूँ ठीक है, सिक्योरिटी का रीजन मैं मानता हूँ कि हाँ कोई सिक्योरिटी हैम्पर हो जाएगी ये वो, एज सच ही कोई ऐसी जगह है भी नहीं जहाँ पे कुछ सिक्योरिटी की इतनी तगड़ी जरूरत है भी, समझ रहा है। और दूसरी बात ये तो चल बात हो गई कैमरे की ठीक है, किसी बंदे को अगर शूट करना भी होगा ना वो फोन से भी कर लेगा, फोन तो अलाउड है, फोन और फोन ही भाई हमारा ऐसा है कि हम इससे डीएसएलआर लेवल का शूट कर सकते हैं, इतना अक्कल नहीं है, मतलब इन्हें बस वो करना है कि कैमरा है तो हटो, कैमरा है तो हटाओ। और मेनली मेरे को ऐसा फील हुआ कि ये लोग स्पेसिफिक ना लाइक वो होता है कपल्स की प्राइवेसी को इन्वेड नहीं करना चाह रहे, कपल्स को प्रायोरिटी दे रहे हैं, गजब मेरे को ये पर्सनली फील हुआ क्योंकि मैंने काफी लोगों को देखा, बना लो महल कपल्स के साथ और क्या, मैंने काफी लोगों को देखा आ रहे जा रहे, मतलब कोई हमें इवन पार्किंग वाले ने मुंह पे बोल दिया भैया कैमरा अलाउड नहीं है, अगर अलाउ कर देता है तभी आप पर्ची कटाओ वरना मत कटाओ, उसने हमें सीधा ही बोला। मैंने कहा यार ये तो कैसा रीजन है यार, मैं तब भी फिर भी बात करने के उससे, हाँ। मैंने कहा यार ये कैसा रीजन हुआ कि आप कैमरा अलाउड नहीं, और अगर आप एक क्लिप में देखोगे हमने रिकॉर्ड किया है हम लोग बात करने जा रहे हैं उस चीज को भी इनने बोला कि कैमरा बंद करो अलाउड नहीं है, और कोई प्रॉपर रूल्स वगैरह नहीं लिखे हुए थे वहां पे कि आपका कैमरा क्यों अलाउड नहीं है, ऐसा क्या है जो प्राइवेसी, यार कुछ जगह होती है मैं मानता हूँ जहाँ पे अलाउड नहीं होती, जैसे मेट्रो हो गई अपना और इसमें और भी जगह है बहुत सारी, बहुत सारी जगह है आप
गवर्नमेंट ऑफिस के बाहर नहीं कर सकते वो सब, वो सब समझ में भी आता है वो, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर सेट ऑफ रूल्स है और ये तो गार्डन है, इन सब की चीज जहाँ पे मना होता है वहाँ पे भी कोई ऑफिशियल आके बोलता है, ये नहीं कि कोई भी आके हमें बोल देता है कि आप यहाँ पे शूट नहीं कर सकते, कोई ऑफिशियल होगा वही आके आपको बोलेगा कि आप शूट नहीं कर सकते, और जहाँ पे अलाउड नहीं होता वहाँ पे हमें भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि हमें शूट नहीं करना चाहिए, बट ऐसी जगह पे जहाँ पे ऑब्वियसली बात है फैमिली भी आती है, फैमिली भी फोटो खिंचाती है, 10 तरह के लोग आते हैं, सबको अपना अपना वो एक्सप्रेस करना होता है एरिया की हम यहाँ पे घूम के आए हैं, अब किसी के पास कैमरा है नहीं है, किसी के पास फोन है, वो जिसके पास जो चीज है वो उससे शूट करेगा, ये मतलब नहीं है कि आप सबको एक वे में देख के बोलो कि भाई कैमरा है तो आप बाहर जाओ। मेरे को लग रहा है पहले किसी ने ना कांड करा हुआ है यहाँ पे, मे बी हो सकता है कैमरा वाला, तभी ये लॉ क्या है ये लोगों ने बनाया होगा, क्योंकि अगर आप इसे गूगल मैप्स में सर्च करोगे तो मैंने तो काफी लोगों को, हमें तो जैसे पार्किंग में रोकने को बोल दिया, काफी लोगों को मैंने अंदर बाइके वाइके ले जाके शर्टलेस फोटोशूट मैंने देखे हैं कई लोगों के, बात ही खत्म मैं कंप्लेंट करूंगा सीधा, बस बात ही खत्म। सिर्फ फोटोशूट की ना तो फोटोशूट हम लोग फोन से भी कर लेते हैं, मगर एक बार मेरा मूड खराब हो गया ना तो मेरे को नहीं करना, बात ही खत्म, आज मेरे को आना ही नहीं है, क्योंकि मूड हमारा ना, मेन बात है कि एक होता है ना अगर आपका गेट पे कोई मना करते तो अच्छा नहीं लगता है, फिर गेट पे मना नहीं वो भी फालतू इलॉजिकल लॉजिकल रीजन होता तो कुछ बात भी थी, मगर एक बार मूड खराब हो गया तो हो गया। आई थिंक हम सिटी फॉरेस्ट का हम लोग आई थिंक कितने दिनों से 3-4 एक हफ्ता ऑलमोस्ट एक हफ्ते से तो हम लोग प्लान बना ही रहते कि सिटी फॉरेस्ट जाएंगे, बात ही खत्म, मेरे को जाना ही नहीं अब, ना ही मैं किसी को सजेस्ट करूंगा आगे जाने में, बेकार जगह। जा रहे हो? आ रहे हो? आ रहे क्योंकि इन लोगों को खाना था रात में खाना, ब्लॉग वासियों ये हमारे घर वाले घर के जन है, ये कोई दोस्त वोस्त नहीं है, ये सब कॉर्पोरेट वाले, इन लोग की सुबह ही रात में होती है रीच लोग, एक सेकंड ठीक है नहीं कर रहा, लेट रीच एंड बीबीआईपी बी रिजर्व टू यादवगढ़ ओनली।